हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आप सभी को मालूम ही है, आज का दिन 75 रिपब्लिक डे है, भारत के हर एक कोना में मनाया जाता है। और ये मेरा स्कूल है और मेरे स्कूल में भी हर एक साल में चाहे वो रिपब्लिक डे हो चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, उसको हमेशा के लिए जब से मैं होश में आया है तब से आज तक मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन हम भी थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है मेरे स्कूल का तरफ से, तो इसीलिए आज आप सभी को मैं थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप देखते जाइएगा आज के दिन में क्या होने वाला है। देखो, हम लोग का जाना माना जो ना नेशनल एंथम जो थोड़ा ठीक नहीं है, दोनों का उच्चारण बोलते है ना, प्रोनाउंसिएशन उसमें बहुत थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो इसीलिए अभी हम लोग क्या करना है उसको थोड़ा सा करेक्शन करना है। हाँ, तो जो भी नेशनल एंथम गाएगा क्या करेगा, हमेशा सप्तान पोजिशन में खड़ा होना है, सुने सप्तान पोजिशन में ना, और उसके बाद नेशनल एंथम को 52 सेकेंड में खत्म करना है हम लोग ना, 52 सेकेंड कभी भी एग्जैक्ट नहीं होने से भी। तो अभी क्या करेगा, हम थोड़ा गा के सुनेगा, तो एक तो सावधान बोलो, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल वितरंगा, तब शिवना में जागे तब शिवाशीष मागे, गाहे तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। वो वीडियो है जो खींच भी है, कितने का दे गणतंत्र दिवस के दिन में आप सभी यहाँ आए, उसी के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। With this respect, I would like to request our GB sir, Sri Mahmood Ali, to unfold the national flag. I second it. विधाता
सिलोक का याचांग को लोगन भी तक लाना बा तो कुछ नहीं जानता है एक दो वर्ड आपको मैं बता देता हूँ फिर वो भी गलत होगा फिर भी गलतियों को आदमी सुधार करिएगा सर की दिन डेलोक के आरो की दिन हेलो वो उनको है तो मस्त सर कोई लोग भी गों सुधार भी गों डेलोक के खुमे ओ की दिन वो ही तो धागा है पर न मुझे मंगे सिरो को लगा पर एक कौन का लगा पर वो डीसी ला दूं डीसी पावर ला दूं है हेलो लगा पर न दूं वो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ बस हो गया मेरा इतना ही है स्वाधीन भारत की स्वाधीन भारत की भारत माता की भारत माता की भारत माता की यहाँ मेरा इंडियन आर्मी के लोग हमारे गांव वालों के साथ में फोटो ले रहा है ये दोस्तों देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है तिरंगे के साथ में तिरंगा के नीचे में बहुत अच्छा लग रहा है मेरा इंडियन आर्मी के फौज लोग ये देखिएगा दोस्तों ये ऊपर तिरंगा है तो आज 26 जनवरी है 2024 और ये गांव मेरा गांव जो चाइना बॉर्डर के सामने में है तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे अरुणाचल के कोना में भी आपका चाइना बॉर्डर के सामने में भी यहाँ गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है तो आप सब जो बाहर से है ये मत सोचिए कि अरुणाचल कहाँ है जैसे कि कोई कोई लोग बोलता है हमें चिंकी चिंकी यानी कि चाइनीज जैसे आप देखते हो ऐसे नहीं है आप भले मेरा आके चटा है तभी भी मैं चाइनीज नहीं हूँ हम जो हमारे अरुणाचल में हरेक कोई आज के दिन में हरेक गांव गांव में ये तिरंगे के नीचे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है तो दोस्तों आप सभी को मेरा संदेश यही देना था तो थैंक यू साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया वंदे मातरम वंदे मातरम स्वाधीन भारत की जय स्वाधीन भारत की जय वंदे मातरम हम सब एक है हम मिटेंगे देश के लिए हम मिटेंगे देश के लिए गणतंत्र दिवस अमर रहे अमर रहे गणतंत्र दिवस अमर रहे अमर रहे गणतंत्र दिवस अमर रहे अमर रहे सबसे प्यारी सूरत तेरी माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम बंदे मातरम बंदे दिखाना पड़े तभी रंग तेरा जिसमें करके खून कहे ओ ओ ओ ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू तेरी नदियों तुम लोग मालूम हो गया ना हम लोग के लिए ये नेशनल फ्लैग कितना इम्पोर्टेंस है सबको मालूम हो गया ना पहले जाना था नहीं जाना है ना तिरंगा सबसे बड़ा है इस देश में ना सबसे बड़ा तिरंगा है
इस देश में सबसे बड़ा तिरंगा ना, और तिरंगा का अंदर हम सब है, चाहे वो हम आम आदमी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो ना, सब तिरंगा का अंदर में है। तो इसीलिए तिरंगा बड़ा है मीन्स सबसे देश बड़ा है, नहीं? तो आज का बात नुनु क्या करना है, तिरंगा को रेस्पेक्ट करेगा ना। तो दोस्तों यही था आज, मैं मेरा बच्चा लोग को भी बहुत कुछ सिखाया हूँ, तो तिरंगा के बारे में भी आज हम लोग को मालूम हो गया। तो आप सभी से भी मैं विनती करना चाहूंगा कि हम सब इस देश का सब नागरिक है, तो वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, इसलिए हम लोग क्या करना है, तिरंगा को मानना है, तिरंगा का अंदर हम लोग सब एकजुट करके रहना चाहिए, ये नहीं कि हम देश का खिलाफ जाए। तो इसी में हमेरा बुलाई है, तो इस देश में रहना है तो हम तिरंगा को सैल्यूट करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी देखा होगा हमारे छोटा सा प्रोग्राम को, तो मैं ज्यादा आपको नहीं दिखा पाया हूँ, तो सिर्फ आज का मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है क्या नहीं, उसी को आप सभी को मैं दिखाने के लिए छोटा सा एक आपको वीडियो बना के दिखाया हूँ। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा होगा, तो यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।